आज इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देने की होती क्या करनी नहीं है अभी हमने फिलहाल हम इसके शुरू में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोग्रामिंग करने का एक स्टाइल है ठीक ये लैंग्वेज नहीं ये प्रोग्रामिंग करने का एक वे है एक अप्रोच है एक स्टाइल है एक पैराडाइम हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का उसमें हम लोगों ने एक लैंग्वेज को पकड़ा रहता है सी प्लस प्लस हम सी प्लस प्लस को ही पकड़ते हैं पढ़ते हैं इन दी फंडामेंटल कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हाई डिग्रीज टीच यू सी प्लस प्लस लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है बाद में हम मूव टू जावा एंड देयर आर अदर लाइक विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए सी शार्प भी यूज हो जाती है ये मेनली दो तीन नई चीज है एसक्यूएल पढ़ लेते हैं हम डेटाबेस हैंडलिंग के लिए Why we learn, why we use C++? वो इसलिए क्योंकि C++ में जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं ना वो ही कंसेप्ट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉलो किए जाते हैं बट इसकी डिफरेंस आ जाता है सेंटेक्स का डिफरेंस आ जाता है उन लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटीज का लाइक इफ समबडी से के यू वांट टू डेवलप ग्राफिकल एप्लीकेशन इन सी प्लस प्लस तो मैं उसके लिए कोई और लैंग्वेज उसको सजेस्ट करूँ सी प्लस प्लस दस स्पोर्ट का बट नॉट दैट मच एफिशिएंटली आप ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस में कोई आप लोगों ने एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जस्ट फॉर एप्लीकेशन यू मे नीड टू राइट 100 लाइन ऑफ कोड ठीक है 100 लाइनों का कोड लिखना पड़े हो सकता है वो ही काम किसी और लैंग्वेज किसी और टूल में जो है 10-20-30 लाइन्स में हो जाए सो हर एक लैंग्वेज की हर एक टूल की भी कह सकते हैं एक अपनी खासियत है खासियत ये है कि ये पावरफुल लैंग्वेज तो है ही है पावरफुल क्यों है कि इसमें हमारे पास प्लेंटी ऑफ फीचर्स हैं ठीक है हम इससे क्या कुछ नहीं करवा सकते और दूसरा ये है कि ये एक हाई स्पीड लैंग्वेज है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है हाई स्पीड लैंग्वेज है विद कंपैरिजन अगर उसका कंपैरिजन करें तो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज को सो इन फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी थी सी प्लस का ठीक है और उसको यूज करते हुए हम लोगों ने क्या सीखा था प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स In this semester, we will again use C++, ठीक है? लेकिन हमने उसमें programming approach या programming paradigm या programming का नया way सीखना है, programming का नया style सीखना है. That is object oriented programming. अक्सर फोन कहते हैं जी ऊप को भी एक लैंग्वेज समझते हैं ऊप इज एब्रीविएशन ऑफ सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप इज नॉट अ लैंग्वेज ऊप इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम सिंटैक्स वही होगा सी प्लस प्लस वही होगा बट हमने प्रोग्रामिंग करते हुए अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स हम करते टास्क को हमने डेली लाइफ के जो छोटे मोटे टास्क हैं उनको हमें ऑटोमेट करना है उनको हमने किसी और नज़र से देखना है एफिशिएंटली देखना है वो जब हम उसके लिए मूव करेंगे तो करंटली जो है उससे पहले आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जब हम लोगों ने एंड किया था कुछ किया था देयर वर सम कंस्ट्रक्ट्स जो कि हम नहीं पढ़ सके ठीक है अचानक से फाइनल आ गए मिड तक का टाइम जा रहा था तो मुझे ये था कि हमेशा टाइम है फाइनल्स में तो इफ आई डू रिमेंबर देन द लास्ट टॉपिक विच वी लर्न वाज अरेज टू डी अरे और आई थिंक मल्टी डायमेंशनल वो उसका भी जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कोई ऐसा कोई खास हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की थी फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए आप सी प्लस प्लस में फंक्शंस का टॉपिक आना जरूरी है फंक्शंस
इफ यू पीपल रिमेम्बर, तो हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सरसाइज वगैरह की, दोज पीपल यूज्ड बिल्ट इन प्रोग्राम्स, सॉरी बिल्ट इन फंक्शंस इन योर प्रोग्राम्स. जैसे आई एम नॉट रॉन्ग, तो पावर का POW नामी फंक्शन शायद यूज किया गया था, ठीक है. और बुक में आपको लिखा हुआ था गेट CH, ठीक है, वो भी एक फंक्शन था. वो क्या थे, वो सीक्वेंस में बिल्ट इन फंक्शन थे. फंक्शन होता क्या, फंक्शन होता क्या, फंक्शन ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास कोई ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करते हो तो ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए. लाइक इफ यू पीपल आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, तो सामने आप देखें, यू विल बी गिवन विद सम आइकॉन्स, उसका न्यू का आइकॉन होगा, ओपन का, सेव का, प्रिंट का, लाइक दिस. और द अदर वे इज यूज फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाके आपको ऑप्शन दो. अब जब उन पर क्लिक करते हो तो वो वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाता है. जैसे न्यू पे क्लिक किया, न्यू फाइल ओपन हो, तो क्लोज पे क्लिक किया, क्लोज हो, जो भी उसका नाम हो रखा. C++ में हम फंक्शंस जो बिल्ट इन फंक्शंस हो, जो C++ की लाइब्रेरी फाइल्स में, हेडर फाइल्स में बने बनाए पड़े हैं, हमने अगर उनको इस्तेमाल करना है, हम उनको उनके नाम से कॉल करते हैं, नाम से यूज करते हैं. जहाँ हमें उनकी जरूरत होती है, हम वहाँ पे उस फंक्शन का, क्योंकि इस यहाँ पे आके जो है वो गेट करेक्टर का फंक्शन परफॉर्म, वो फंक्शन जो भी करता है वो बात की बात है, बात सुझे, ठीक है. तो मैं फंक्शन का आप लोगों को यूज बता रही हूँ कि आई यूज फंक्शन इन C++. इसी तरह एक पावर का फंक्शन था POW, इफ यू वांट टू कैलकुलेट पावर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, तो पावर दे, सॉरी नंबर दे, कॉमा उसकी पावर दे, इस नंबर की पावर है कैलकुलेट. तो और भी बहुत सारे फंक्शन है, मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन है, सीक्वेंसेस के अपने जर्नल बहुत सारे फंक्शन है. अब हमने देखना है कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, तो फंक्शन से यूज कर लिए, ठीक है, या कैसे करेंगे वो आगे काम चलता नहीं था. बट हमें कुछ देखना कि एक फंक्शन को लिखा कैसे जाता है C++ में. लाइक मैं कुछ एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ, अच्छा वो फंक्शन क्या करे, वो फंक्शन जब जब भी मैं उसको यूज करूँ ना, यूज करना मतलब उसको कॉल करना, ठीक है, जब जब भी उसको कॉल करूँ ना, वो स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम प्रिंट करता है. मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन मैंने एक दफा लिखा है, बट मैं उसको बार 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 यूज कर सकती हूँ, उसका नाम उसमें मैंने फंक्शन लिखा है माई नेम के नाम, ठीक है. जब जब मुझे स्क्रीन पे अपना नाम प्रिंट करना है, मैं लिखते थे प्रोग्राम में माई नेम बना स्क्रीन पे नाम करते, माई नेम स्क्रीन पे नाम थी, माई नेम स्क्रीन पे नाम करते, तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है. फंक्शन से सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, फंक्शन से यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, यू कैन यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज आप लगा लें, या यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, आप क्या करें कि उसके अंदर जो है एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगा दें, और ये जो वैल्यूज चाहिए, ठीक है, 2πr या πs के जो भी उसका फॉर्मूला होता है, एक सर्कल एरिया का होता है, दूसरा एगेंस्ट एक ऑफ द सर्कल, और दूसरी कौन सी टर्म है, एक फॉर्मूला उसका होता है, माइंड से निकली है. तो आप क्या करते हैं, जस्ट वैल्यूज दे दें उसको, वो खुद ही से उन वैल्यूज पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा कि ये मुझे आंसर है. अब हुआ क्या, आप तो कोई फंक्शन एक दफा लिखा था, ठीक है, आप चाहे उसको 100 दफा यूज कर लें, 1000 दफा यूज कर लें, 5000 दफा यूज कर लें, जस्ट गिव देम वैल्यू, वो कैलकुलेट करके आपको. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मेरी आवाज अब ठीक आ रही, अब बेहतर है जी मैम, थोड़ी सी बेहतर है पहले से. समझ नहीं बच्चे के इशू क्या है, चलिए ट्राई करते. अच्छा तो ये था थोड़ा बहुत जो हमने फंक्शन का, आपके फंक्शन को लिखने का बनाने का मकसद ये था, रीयूजेबिलिटी, दैट यू कैन रीयूज अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स. यू हैव टू राइट इट वंस, देन यू कैन रीयूज अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स. ओके नाउ अब
एक प्रोग्राम में उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर ये आपकी मर्जी। Whenever you write a function, you will decide the scope of the function. कि ये function मैंने एक प्रोग्राम में लिखा है, ठीक है, तो क्या इसकी life जो है, इसका scope इसी function, इसी प्रोग्राम तक की है, या मैं कोई और प्रोग्राम भी लिखती हूँ तो मैं उसमें भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन की लाइफ क्या सेट की है, एक प्रोग्राम ही, ताकि मैं पूरे ख्याल से या एक या उसे कह दें कि ओवरऑल जितने भी प्रोग्राम्स आप लिखेंगे फ्यूचर में उनमें भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बात की बात है, लेकिन हम इस चीज़ को भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखना ये है कि व्हाट इज अ फंक्शन एंड हाउ कैन वी राइट इट, उसका सेंटेक्स जो है ना वो क्या है, कैसे लिखा जाएगा उसे। मैं बुक में भी फुल फ्लैश चैप्टर है उसकी तरफ भी हम चले जाएंगे। मैं आपके साथ एक कहने की एक शॉर्ट हैंडआउट टाइप हैंडआउट अबाउट फंक्शंस जो है मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि हम प्रोग्राम में एक फंक्शन को, एक बेसिक फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं।